हेलो फ्रेंड्स, रश्मि के तंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कच्चे सिंघाड़े का नाश्ता। आजकल सिंघाड़े मिलने लगे हैं और बहुत आसानी से घर के आसपास ही मिल जाते हैं और बढ़िया मिल रहे हैं क्योंकि सीजन बहुत अच्छे से आ गया है। तो ऐसे में सिंघाड़े के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिनमें सबसे आसान, सबसे सरल और बहुत अच्छा हेल्दी ये नाश्ता है जो तुरंत बन भी जाता है और इसको किसी कोई भी बना सकता है। हॉस्टलर्स तो ख़ास तौर से बना सकते हैं, सुबह का नाश्ता हो सकता है, आप किसी वक्त भी इसको बना के खा सकते हैं, चाय के संग ले सकते हैं। तो चलिए, ये है सिंघाड़ा और ये दो तरह के आते हैं, लाल भी होता है और हरा भी। तो इसको सबसे पहले धो के अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद इसको कैसे काटेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसका निचला पार्ट इस तरह से हल्का सा काटेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ये इस तरह प्रेस करके ये इस तरह ये निकाल लेंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े से हाथ से, बहुत जल्दी हो जाता है ये। ये देखिए, ये बिल्कुल निकल आया। मैं एक और भी करके बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला पार्ट आप निकालिए और इस तरह थोड़ा सा इस तरह करके आप निकालिए और हाथ से, और तुरंत निकल जाता है, ये देखिए। तो चलिए, इस तरह से हमने कर लिया, बाकियों को भी मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सिंघाड़े के सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं और उसके बाद एक दो पानी से धो भी लिया है क्योंकि छिलके उतारने के बाद ये थोड़े काले काले से पड़ जाते हैं। और एक चीज़ और भी शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये देखिए, इस सिंघाड़े के दो तरफ होते हैं तो इसमें कुछ एक हल्की सी परत आ जाती है जो पीली पीली होती है, सख्त होती है, उसको भी आप इस तरह से खुरच के उतार दें, तभी अच्छा होगा। रहने देंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये उतार देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, इसको किस तरह से काटना है ये मैं बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें काटना है। ये पूरा सिंघाड़ा ले लीजिए और उसके बाद बहुत मोटा और ना ही बारीक इस तरह से आप काट लीजिए। तो चलिए, इस तरह से हम सारे सिंघाड़े को काट लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये आधा किलो हमने सिंघाड़ा लिया था, उसको सबको कट कर लिया है, ये सारे कट गए हैं। अब मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। तो उसके लिए हमने बर्तन गरम कर लिया है और ये थोड़ा सा ये मैं बटर डाल रही हूँ, अमूल बटर है। आप रिफाइंड या देसी घी या कोई भी किसी भी तेल में, सरसों के तेल में भी कर सकते हैं, छौंका लगा सकते हैं। ये कैसे भी बनाने पे ये बहुत ही अच्छा बनता है और सभी को पसंद आता है। अब ये डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून जीरा, अब ये जीरा ज़रा चटक जाए, इसको थोड़ा मैं फैला रही हूँ इसलिए कि सिंघाड़े चिपक जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही घी, तेल या बटर इसमें डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं छौंक लगा दूँगा। इसमें मैं अभी तुरंत ज़रा सी हल्दी और ज़रा सा नमक डालूंगी। ये देखिए, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ बस, ज़्यादा नहीं। और इसी टाइम आधी छोटी चम्मच नमक भी डाल रही हूँ क्योंकि बटर में भी नमक होता है हल्का फुल्का, और इसमें ज़रा सा भी ज़्यादा नमक अगर आप डाल देंगे तो ये एकदम खाने लायक नहीं बनता, इसलिए इसमें अगर कम है तो कोई बात नहीं, ऊपर से हम स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, कोई चाट मसाला भी डाल के इसमें अगर आप ज़्यादा
मसालेदार खाते हैं तो चाट मसाले भी इसमें डाल सकते हैं और ज़्यादा चटकीला हो जाएगा, चटपटा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको मैं इसको ढक दूँगी, ढक के 10 मिनट इसे छोड़ दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये करीब करीब बन चुका है। इसको एक आध बार बीच में मैंने चलाया भी था और अब ये लास्ट में मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा, बिल्कुल। और हल्दी इसमें थोड़ी और भी कम पड़ सकती थी, मैं तो कभी कभी हल्दी नहीं भी डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल, इसको आलू की तरह पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा पहले, पकने से थोड़ा सा पहले आप निकाल लीजिए, इसका बहुत ही बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए, बन के तैयार हो गया है, अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना सिंघाड़े का नाश्ता बिल्कुल बन के रेडी है और मैंने इसको ऐसे ही गार्निशिंग के लिए मिर्च रख दिया है। और आप चाहें तो इसको मिर्च डाल के छोंक भी सकते हैं, और मैं तो नींबू भी डाल दी हूँ थोड़ा सा, अगर आपको खटास अच्छा लगे तो आप भी डाल लीजिए, इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं खटास के लिए, और मैंने नींबू डाला है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।